सब्सक्राइब कीजिएगा एक्सीलेंट करियर को, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सलेंट करियर के चैनल में माई सेल्फ यश पोरवाल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आज हम आपको BSc फर्स्ट ईयर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये BSc फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर है। किसका पेपर है? फिजिक्स का थर्ड पेपर। किसका पेपर है? फिजिक्स का थर्ड पेपर। इसमें आपको हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड परीक्षा में 2019 में या 2020 में आने वाली है। ये हर साल आपकी पेपर में आती है। थेवेनिन का प्रमेय। किसका प्रमेय है? थेवेनिन प्रमेय। देखो प्रमेय क्या है। इसे फ्रांस के टेलीग्राफ इंजीनियर लियो चार्ल्स थेवेनिन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था इसे? टेलीग्राफ इंजीनियर लियो चार्ल्स थेवेनिन ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत एवं प्रतिरोधकों से निर्मित किसी भी रैखिक परिपथ का इसके किन्हीं दो सिरों के बीच व्यवहार, मतलब किसके बीच व्यवहार? किन्हीं दो सिरों के बीच व्यवहार एक तुल्य वोल्टता स्रोत भी फिफ्थ, मतलब फिफ्थ से लिखा है, क्या लिखा है? फिफ्थ एवं तुल्य प्रतिरोध RTH, BTH या RTH के श्रेणी क्रम के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यह किसी एक आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से युक्त परिपथों के लिए भी लागू होता है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसे फ्रांस के टेलीग्राफ इंजीनियर लियो चार्ल्स थेवेनिन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? टेलीग्राफ इंजीनियर लियो चार्ल्स थेवेनिन ने, ठीक। इसके अनुसार वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत एवं प्रतिरोधकों से निर्मित किसी भी रैखिक परिपथ का इसके किन्हीं दो सिरों के बीच व्यवहार एक तुल्य वोल्टता स्रोत BTH एवं तुल्य प्रतिरोध RTH के श्रेणी क्रम के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यह किसी एक आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से युक्त परिपथों के लिए भी लागू होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।